पंचकुला में कांग्रेस के नेता ओम प्रकाश देवीनगर ने पार्टी को अलविदा कहकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में वो बीजेपी के अंदर दायरे में शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने ओम प्रकाश देवीनगर का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया, कहा कि उनके शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसके अंदर बहुत ही दो महत्वपूर्ण लोग जो समाज सेवा के लिए बड़ी देर से लगे हुए हैं और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम इतने प्रभावित हैं और मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे ज़िले की हमारी पार्लियामेंट की सारी सीटें जीते हैं। हरियाणा जैसे माननीय कटारिया जी ने अभी कहा है कि 85 सीटें हो, हम ये बात वाकई तायद करते हुए जिस तरीके से काम हरियाणा में हुए हैं, मोदी जी से भी प्रभावित होकर हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में आज नंबर एक पर है, मैं यहाँ ये बात कह सकता हूँ कि हम यहाँ वाली सीट भी, कालका वाली सीट भी, पूरे पार्लियामेंट की सीटें एक तरफ हमारा फैसला होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक संदेश देता हूँ।